जमशेदपुर की सामाजिक संस्था यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन युवा की ओर से जेंडर हिंसा के खिलाफ चल रहे 16 दिवसीय अभियान के तहत होटल बुलेवुड विष्टुपुर में मीडिया संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संवाद में युवा के सचिव वर्णाली चक्रवर्ती ने महिला हिंसा के खिलाफ मीडिया कर्मियों को भी संवेदनशील रवैया अपनाने एवं साथ देने की अपील की। वहीं महिलाओं के साथ कई स्तरों पर हिंसा होती है, इन्हीं मुद्दों पर मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा हुई। मीडिया संवाद में शहर के कई अखबारों के प्रतिनिधियों एवं चैनल के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। मीडिया संवाद में युवा की ओर से सचिव वर्णमाली चक्रवर्ती, ट्रेनर अंजना देवगम, रितिका कुमारी, ज्योति हेम्ब्रम, थैलेसेमिया पीड़ित नीतू कुमारी उपस्थित रहीं। शहर के स्कूल एवं कॉलेजों में विकलांगों के लिए सहज शौचालय का निर्माण, होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर रैंप की व्यवस्था करने की मांग की गई। वहीं दिव्यांगों को घर में ही टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने की मांग उठाई गई। वहीं मीडिया से आम बोलचाल में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आपत्तिजनक शब्द के व्यवहार पर संवेदनशील रवैया अपनाने की भी अपील की गई। हाँ, हमारा जो ये कार्यक्रम है हर वर्ष पिछले 3 सालों से हो रही, पूरा ग्लोबली है ये महिला हिंसा के विरुद्ध एक अभियान है। ये 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ह्यूमन राइट्स डे में इसका समापन होता है। इसके तहत हर साल अलग अलग थीम होती है, तो इस बार जो थीम है वो है हम लोग पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग वीमेन लीडर्स एंड डिजेबल लीडर्स का, डिजेबल वुमेन लीडर्स का पार्टिसिपेशन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि हमारा महिला संस्था है तो महिलाओं पे ही बात करें, उनके अधिकार पे ही बात करें। तो इस बार जो हम लोगों ने किए थे, इस पर हम लोग विधायक से शुरुआती हम लोग पोटका से किए हैं, पोटका तितला पंचायत से, वहाँ पर हम लोग का उद्घाटन विधायक किए हैं श्री संजीव सरदार जी किए हैं। उनके सामने भी हम लोग बात रखे थे, तो उन्होंने भी कहा है कि संबंधित मंत्रालय से बात करेंगे, फिर जरूरत होगा तो विधानसभा में भी बात उठाएंगे, तो इस तरह का हुआ। उसके बाद हम लोग बहुत सारे सिविल सोसाइटीज़ के लोगों से मिले हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफिसर से एक जन से भी अभी तक हमें उस तरह से नहीं मिले। गवर्नमेंट ऑफिसर स्थानीय जो व्यवस्था है जो पंचायत का, उनसे मिले, उनको साथ में लेके ही हम लोग काम कर रहे हैं, पंचायत को साथ में लेके ही हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिला स्तर पे हम लोग अभी तक नहीं मिले हैं। अभी 10 चूँकि 10 तारीख को हमारा समापन है, वो दिन एक मेमोरेंडम हमारी लड़कियाँ जाके देंगी डीसी को, उसमें हम लोग का जो फाइंडिंग्स हुआ है अब तक का वो सारे चीज़ लिख के देंगे। उसमें बहुत सी जरूरत चीज़ जो लोग ओवरलुक करते हैं, रैंप को लेके, डिजेबल फ्रेंडली बाथरूम को लेके, पब्लिक प्लेस में, कॉलेजेस में लड़कियों को बहुत स्थिति खराब होती है, उसको लेके, आधार कार्ड्स को लेके, आपका वैक्सीनेशंस को लेके, 100% वैक्सीनेशंस को लेके, जो कि उनके तक वैक्सीनेशंस नहीं पहुंच पाता है, बहुत सारा है। जैसे शब्दों को लेके, भाषा का जो शब्द होता है उनको लेके, ऐसे बहुत सारे हमारा छोटे छोटे 8-10 फाइंडिंग्स है जिसको लेके हम लोग 10 तारीख को हमारी लड़कियां जो अभी जो लीडरशिप लेने जा रही हैं, ले रही हैं, उन लोग जाके अपना मेमोरेंडम, ये हम लोग एक्चुअली वो दिन एक 3-व्हीलर डिजेबल लोगों का एक क्लब है, उनके साथ हम लोग टाइप किए हैं, उन 3-व्हीलर्स के साथ उन्होंने एक रैली करेंगे, ये जो तुलसी भवन के सामने से रैली निकलेगा स्टेशन से होके, कदमा और वुमेन्स कॉलेज का होके, साक्षी गोलचक्कर होके हम लोग डीसी ऑफिस पहुँचेंगे।